नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। जी लो जी, आपको अनार की बोली दिखा दें, आज के कैसे बाजार चल रहे। यहाँ पर अनार में अनार वाले बाबूजी भी खड़े जी, यहाँ पर वो बोली भी कर रहे जी। छोटे लाल रह गए, थोड़ा दे रह गया बेटे, 550 रुपए। और बोली समय दोपहर के 1:15 बजे जी लगा है यहाँ पर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नजारे आ रहे। चलिए जान लेंगे टोटल रिपोर्ट क्या है जी मंडी की, आज की गाड़ियाँ कितनी। बाबू जी नमस्कार जी, 1 बजे यार, 1:15 बज गया जी। आप उठ लिया बोली में से? अभी उठा हूँ यार, सुबह से बैठे थक जाता आदमी यार। अच्छा जी, अच्छा तो क्या हालात है जी मार्केट के, कई दिन से मैं भी वीडियो नहीं बनाई जी। कितनी गाड़ी बताया, गाड़ियाँ कम ही है, 15-16 गाड़ी है। अच्छा जी, लेकिन कल सारा दिन बारिश थी, थोड़ा बाजार में फर्क पड़ गया। अच्छा जी, कल से थोड़ा सा ढीला है, 50-1 रुपया। कल से 50-1 रुपये ढील है। माल बताओ जी, पहले माल कैसे आ रहे जी? बढ़िया माल हमारे पास जो बिक रहे हैं 1100, बहुत बढ़िया होगा। 10 किलो वाला 11 किलो कांटे पे तो 1200। अच्छा जी, ये तो 1000 रुपये 1100 रुपये तक बढ़िया मालों का रेट है। नहीं जो अंदर से क्वालिटी है जी, कटिंग बहुत बढ़िया हो गई अब तो, बल्कि चित्री वाले माल आ रहे हैं जो दुनिया मांगती थी, मिलता नहीं था। अच्छा जी, कटिंग बहुत बढ़िया उसकी, सारे रेडी पटरी वालों के लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। अंदर से लाल माल है, बिल्कुल लाल है, ये गुजरात नहीं है, सारा महाराष्ट्र का है। मुझे लग रहा जी आम के ग्राहक भी आए जी यहाँ पर कुछ ये है जी, आम वाले भी खड़े जी। जो राणा साहब आम बेच रहे थे ना, आम महंगा हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा जी, आम और 1 हफ्ते में 10 दिन का खेल है, वो जो अब अनार बिकेगा लाल हो गया ना पूरा, अच्छा खाने का मजा अनार का। अच्छा जी, एक्चुअली क्या ये भी समझो 15 दिन लेट हो गया हमारा सीजन, एक महीना पहले शुरू हो गया, मई एंड में शुरू हो गया, नहीं तो जून में शुरू होता था। अच्छा, अब की बार अनार की फसल जुलाई पहले हफ्ते से अनार बिकना शुरू हो जाता है खुल के। अच्छा जी, अनार बिकेगा। अच्छा जी, अच्छा रेट लेवल का रहेगा, बिकता रहेगा, हल्के माल ज्यादा मीडियम माल मांग रहे हैं और वहाँ मोटे माल कम बिक रहे हैं। वहाँ क्या पोजीशन है जी मंडियों में जी उधर? वहाँ तेज है राणा साहब बाजार, नुकसान हो रहा है तेज, तो ऐसे बनाने बहुत मुश्किल है यार। अच्छा जी, वहाँ बगीचे 80-85-90 से लेके 100-110 रुपए तक बिक रहे हैं वहीं पर, वहीं पे यहाँ पैसे नहीं बनते। अच्छा जी, हम सस्ते माल बेच के राजी हैं, मीडियम माल बिक रहा है, हल्की चित्री हो तो भी बिक रहा है, और जो ज्यादा हैवी माल है जैसे वो लेके बैठे रहते हैं कई बंदे। राणा साहब वो लेके जो बैठे रहते हैं ना 11 किलो वाले, 100-110 रुपए किलो की बगीचे की खरीदी है। अच्छा, 1400-1500-1600 वो माल कम बिकते हैं उनके, VIP इतना महंगा लेने वाले क्या है राणा साहब, जब रेडी पटरी पे माल बिकना शुरू हो जाता है ना। हाँ जी, सस्ता बिकेगा, दुकानदारों की सेल कम हो जाती है थोड़ी, जो महंगा बेचते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये ऊपर से सफाई कम है, चित्री है, अंदर से कटिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, आम आदमी को चित्री नहीं देखनी चाहिए, अंदर काट के देखने चाहिए, छिलका नहीं खाया जाता अनार का, अनार अंदर से खाया जाता है, दाना खाया जाता है। हाँ, अब खाने का मजा अनार का है। और बारिशें वगैरह कैसी है जी? बारिशें हो गई थी एक महीना पहले, पीछे भी हुई है, एक हफ्ता हमारी मंडी बंद थी वहाँ पंडरपुर में। अच्छा, इसमें बारिश हुई थी, लेकिन हम माल बढ़िया आ रहे हैं। अभी ये सीजन जैसे अब जोर कब पकड़ेगा जी? जोर अब तो जोर है राणा साहब, 3-4 गाड़ी रोज आ रही है अपने पास। अपने पास आ रही ना जी? अपने पास आ रही है, महंगे इलाके का इस समय जोर है जी ये। अभी धीरे धीरे, अभी क्या है कि संगम नेट साइड में बारिश हो रही है, उधर के माल कम आ रहे हैं। अच्छा, नासिक एरिया में बाकी ठीक है, चलता रहेगा, 10-15 गाड़ी 20 गाड़ी रोज आती रहेंगी। अच्छा जी, एक मेरे पास हो सकता है थोड़ा सा जोर पकड़े और जोर पकड़ेगा। हाँ, लेकिन बिकेगा अनार, बिकेगा अनार ही मिलेगा, और क्या मिलेगा इनको, अनार या फिर सेब है बस। हाँ, कश्मीर की वैरायटी शुरू हो जाएगी और शिमला भी शुरू हो जाएगा, ये शिमले का सेब, हिमाचल की तो वैरायटी सारी खत्म हो गई, सेब चल गया, अब सेब चलेगा ना। ठीक है जी, हिमाचल का सेब चलेगा, कश्मीर की वैरायटी शुरू हो गई है। हाँ जी, ईरान का भी आ रहा है, जो अफगानिस्तान का आ रहा है। 3-4 दिन से गाड़ियां ही नहीं आ रही जी, अब की बार नहीं आ रही अभी ना जी, मेरे को रिपोर्ट नहीं है, पीछे तो आ रही थी। चेरी की शॉर्टेज हो गई मार्केट में, चेरी की, खुरमानी की, एप्रिकॉट की। अच्छा है जी, किसी भी रेट में माल नहीं है, आ जाएगा, 2-4 दिन की शॉर्टेज होगी, उसके बाद आ जाएंगे बस। हम लोग अब तो मार्केट में आने वाले दिनों में सेब और अनार है जी बस। राणा साहब बारिश नहीं होनी चाहिए बीच में, आज भी सुबह बारिश थी हल्की, मौसम लग रहा था, मौसम खुल गया बाद में थोड़ा सा, लेकिन रेट कल से डाउन है। दिल्ली के पाप दो हो गए जी, यहाँ 3-4 दिन बारिश हो गई। राणा साहब इतना बुरा हाल था कल, पूरी दिल्ली में जाम था, गुड़गांव से लोग 3-3 घंटे में जा पहुंचे कल। अच्छा जी, इतना बुरा हाल था सुबह।
ज्यादा ही बार जो दूर रहते हैं ना उनको परेशानी है। और कह रहे जी शहरों में गांव में बगीचों में गुजरात में मध्य प्रदेश में एक भी बूंद नहीं बारिश की है जी। यहाँ हो रही है दिल्ली में वहाँ पहले थी अब धीरे एक्चुअली मानसून चलता है साउथ साइड से, साउथ से फिर इधर आता है। बॉम्बे बहुत बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत बारिश है। चलो बेचो जाओ जी, ठीक है। रौनक से लगी दिल लगता है, रौनक लगी रहनी चाहिए, रेट नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा तेजी भी अच्छी नहीं ज्यादा मंदा भी अच्छा नहीं, ठीक है। हर बार यही कहता हूँ नॉर्मल रेट रहेगा ना तो ग्राहकों के मुंह लगता रहेगा। धन्यवाद बाबू जी बहुत बहुत, ठीक है राणा। हेलो जी, दोपहर के 1:15 बज लिए जी और ये बाबू जी का ये वाला मोबाइल नंबर है जी। ये दोस्तों जानते हैं मौसमी वाले साइड में भी आज का मौसमी का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, कितनी गाड़ियां आई, चलिए जानते हैं दीपक गोगिया एंड कंपनी से आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियां कितनी आई। और ये तो अभी अभी माल बेच के इंतजार में थे जी, अभी अभी गए और मैं लेट हो गया। और दोस्तों दोपहर के 1:08 हो चुके हैं, माल तो तकरीबन बिक लिए है, गाड़ियां खाली हो चुकी हैं, कुछ गाड़ियां भी बिक नहीं रही। चलिए जानते हैं आज का क्या रेट रहा, फोन पे ही बात कर लेंगे। बाबू जी नमस्कार जी। बढ़िया बाबू जी, मैं तो आपकी दुकान पे पहुंचा आप इतने में जा लिए जी। अच्छा जी अच्छा, तो आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियां कितनी हो रही जी? 83 गाड़ियां जी, 83 गाड़ियां, 79 खुली है, 4 बंद है। अच्छा जी, कल से आज मार्केट कैसी है जी? मार्केट कल के दमदम के 50 पैसे से लेकर 1 रुपए कम है। कल से 50 पैसे से लेकर 1 रुपए किलो कम है कल से जी? हां हां, 1 रुपए किलो कम है, उठाव है पूरा, मार गिरके है काफी। अच्छा जी, हमारी 3 गाड़ियां थी खत्म हो गई तीनों। अच्छा, तीनों गाड़ियां खत्म है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं तो कल भी नहीं आ सका जी, बरसात इतनी थी दिल्ली में, आपकी तरफ पानी भर गया था। हाँ जी, ठीक है जी। आज का जी जो 5 नंबर माल है आपकी दुकान पे यहाँ पर, इसका क्या बाजार चल रहा जी? 5 नंबर 15 रुपए है, और 4 नंबर 23 रुपए, और ये 3 नंबर जी? 3 नंबर राणा साहब, ये 29 से 30 रुपए, और ये जो मीडियम 2 नंबर जी? 2 नंबर 35-36 का है, और 1 नंबर 38 रुपए का। अच्छा जी अच्छा, ये है जनरल मालों के रेट है। अच्छा जी, थोड़े कच्चे बनने हैं, पूरे तैयार नहीं है, और जो जो बढ़िया माल है उनके रेट ज्यादा है जी? 3 रुपए ऊपर है उनके रेट। अच्छा जी, 2-3 रुपए ऊपर है वो, 1 या 2 गाड़ियां या ज्यादा से ज्यादा 3 गाड़ी होंगी। अच्छा जी अच्छा, वो बीच की फसल है, उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस है और जूस है और थोड़ा मिठास है। बिक्री ठीक है जी समय नहीं? बिक्री ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिक्री में, इससे बिक्री फर्स्ट क्लास है। चलो जी, धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। के पैसे भी भगवान की कृपा से बन रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा। चलो जी, पैसे बनने चाहिए, घटने ना चाहिए, घटने वाला काम खराब है जी। नहीं, अब बढ़ने वाला काम हुआ, उनका ठीक हुआ काम, उनका कवरिंग हो गई है। चलो, अब तो आम भी कम हो लिया जी, अब तो मौसमी पे ही जोर आएगा, अनार बिकेगा या मौसमी बिकेगा। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी मैं भी निकल गया, तो कोई बात नहीं, आपके दर्शन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम 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 राम।